हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम क्यों बनाते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स से डर क्यों लगता है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत है या आपके जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स होता है। आज के बाद आपको मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा माइंड जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम घड़ी देखते हैं, वॉच देखते हैं, जो क्लॉक लगा हुआ है वॉल क्लॉक या फिर हमारे हैंड में वॉच होता है वो देखते हैं, उसमें टाइम हम देखते हैं। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा उठने के साथ ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगर कहीं जाना हो तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ भी शुरू हो जाता है। जैसे कि कितने मिनट में हमको ये काम करना है, ये काम करना है, और जल्दी से तैयार होना है, वहाँ पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में, यानी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही डिपेंड हो जाता है। सुबह उठने के साथ ही हमारा माइंड कैलकुलेशन करने लगता है। इसका मतलब है कि मैथ हमारे लिए ईजी है, मुश्किल नहीं है, और माइंड जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने वाले हैं। और जो बच्चे हैं जो कि क्लास वन से लेकर एट तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे क्वेश्चंस बनाने से उनके माइंड डेवलप होंगे, बच्चों के माइंड डेवलप होंगे, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच नंबर्स आर एग्जैक्टली इन टू फिगर्स, यानी इनमें से कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली दो फिगर के अंदर है। दो से ज़्यादा में भी नहीं होना चाहिए और दो से कम में भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे वन। वन जो है सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे तो टू। टू जो है सो सर्कल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है, और सिक्स सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए ऑप्शन टू गलत हो गया। फिर देखते हैं, टू तो दो फिगर के अंदर है, लेकिन फाइव, फाइव जो है वो रेक्टेंगल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है। देखेंगे फाइव आप सर्कल से बाहर है लेकिन रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए ऑप्शन थ्री सही होगा। एग्जैक्टली दो फिगर के अंदर है टू और फाइव। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इस ऑप्शन में क्या गया थ्री। थ्री आप देखेंगे तो तीन फिगर के अंदर है। थ्री जो है सो रेक्टेंगल के अंदर भी है, ट्राइंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन सेकेंड्स मिनट्स एंड आवर्स, इनमें से कौन सा डायग्राम है जो सेकेंड मिनट और आवर को बहुत ही अच्छे से उन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड से मिनट बनता है और मिनट से आवर, तो सेकेंड मिनट के अंदर होगा और मिनट आवर के अंदर होगा, यानी आवर के अंदर हो गया मिनट और मिनट के अंदर हो गया सेकेंड। तो ये डायग्राम, ये तीनों के बीच का जो रिलेशन है, सेकेंड मिनट और आवर के बीच का रिलेशन, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों डायग्राम इन तीनों के बीच के जो रिलेशन है उसको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।